से ढक्कन दे देना। इसके ऊपर दोबारा गेल करेंगे ढक्कन को। इस वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें। अब ढक्कन को गिल करने के लिए हम ये चिकनी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी कूटेंगे। कूटने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ताकि ये नरम हो जाए और फिर उसके साथ गिल करेंगे। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका वक्त बच सके। ये हैं थपाई वाले जंगली ओपले जिनका हमने वजन किया है। ये 3 किलो इस्तेमाल करने हैं हमने। बस इसीलिए ये इसको कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो उड़ने वाला है या ऊपर ये उठने वाली है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ राख के बचाव के खातिर इसमें कपास वगैरह नहीं डाले, ज़्यादा गिल नहीं करते। मजबूत खेल के लिए कपास इस्तेमाल। हाँ, कपास का इस्तेमाल होता है जी। उस्ताद साहब का कहना है कि अगर मजबूत खेल हमने करनी है तो उसके लिए हमें कपास का इस्तेमाल इस मिट्टी में करना होगा। अगर मजबूत नहीं सादा खेल करनी है तो फिर कपास का इस्तेमाल नहीं करना होगा। इसी तरीके से हम सादा खेल भी कर सकते हैं। ये खेल हम इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर से राख अंतर दवा की तरफ ना जाए, इसलिए हम इसको इसके जितनी लीकेज है उसको बंद कर रहे हैं गिल करके। मैं वीडियो को थोड़ा आगे कर देता हूँ। अब इसको हम 10-15 मिनट या 30 मिनट तक धूप में सुखाएंगे। अब इसी तरीके से कुछ पोपले जो हैं नीचे की तरफ बिछाएं, फिर उसके बीच में मटकी रखें और फिर आसपास और ऊपर उसके ओपले दें जिस तरह से आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका वक्त बचे। हम इसको आग लगाएंगे। अगर थपाई वाले ओपले हों तो वो 3 किलो ले लें, अगर जंगली ओपले आपको मिले तो वो 2.5 किलो ले लें। और ओपले जो भी हों तो वो खुश्क होने चाहिए। कोशिश करें जब आग ठंडी हो जाए तो फिर इनको निकाल लें। कोशिश करें कि ये मुकम्मल जल कर राख ना बन जाए। अगर अच्छे तरीके से पक चुके होंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चिमटे हुए मिलेंगे आपको। अगर आप उनको उंगलियों से थोड़ा जोर देंगे तो वो फिर बिल्कुल आटा बन जाएंगे बिल्कुल, तब आप समझेंगे कि वाकई में ये सही पके हैं। लेकिन उससे पहले वो सारी चीज़ें राख नहीं बनी होनी चाहिए। आपस में एक झुरमुट करके एक गठरी की तरह यानी कि चिमटे हुए मिलें, तब समझेंगे आप ये अच्छे तरीके से पके हैं। अब इनको बाहर निकालें। निकालने के बाद इनको पीसें। पीसने के बाद 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भरें और फिर वो 500 मिलीग्राम के कैप्सूल सुबह और शाम मरीज को दें। 8 दिन तक इस्तेमाल करें। शरबत अनजबार के साथ एक पानी का गिलास लें और उसमें पानी भरें। उसमें शरबत अनजबार के 2 ढक्कन डालें, उनको आपस में मिलाएं। उसके साथ ये एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 8 दिन से पहले ही मरीज़ मुकम्मल सेहतियाब हो जाएगा। और फिर हमारे लिए दुआएं खैर कीजिए। इस वीडियो से मुतालिक अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कीमती वीडियो में।